नमस्कार दोस्तों, देश में कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा अक्सर खड़ा हो जाता है या खड़ा किया जाता है, जिसके बहाने तमाम मोदी विरोधी और लिबरल गैंग पीएम मोदी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। फिर यही मोदी विरोध धीरे धीरे देश विरोध में बदल जाता है। बात चाहे तीन तलाक के खिलाफ बिल की हो, या फिर कश्मीर में अनुच्छेद 370 की विदाई, या फिर ताजा मामला कृषि कानून का ही क्यों ना हो, जिसके खिलाफ आंदोलन तो किसान कर रहे हैं, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार के साथ साथ भारत को भी बदनाम कोई और कर रहा है। विरोधियों के इन तमाम हमलों के बावजूद जिस तरह से पीएम मोदी हर बाधाओं को पार कर लगातार देश की सेवा में जुटे हुए हैं, उनकी यही ताकत देखकर फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने उनकी दिल खोलकर तारीफ की है। पीएम मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक में से एक फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित, जब भी मोदी सरकार पर विरोधियों का कोई हमला होता है तो उन्हें जवाब देने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ, जब किसान आंदोलन को समर्थन के नाम पर तमाम विदेशी हस्तियों ने भारत के साथ साथ मोदी सरकार को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की, तो अशोक पंडित ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें करारा जवाब दिया और साथ ही मोदी सरकार के नेतृत्व की जमकर तारीफ भी की। बॉलीवुड के बड़े फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित ने एक ट्वीट में पीएम मोदी की शेर के साथ वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भारत न कभी झुका है न कभी झुकेगा। देश के अंदर रहने वाले और देश के बाहर बसने वाले देश के दुश्मन हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है। ईश्वर आपको इन दुश्मनों से निपटने के लिए ताकत और बल प्रदान करता रहे। अशोक पंडित ने ट्विटर पर ही पीएम मोदी की एक और तस्वीर शेयर की, जिसमें वो किसी गांव में वहां के लोगों से उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। यह तस्वीर शेयर करते हुए अशोक पंडित ने लिखा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताती यह तस्वीर। आम आदमी के साथ जुड़ाव के साथ साथ जमीनी स्तर पर काम करना उनका पैशन रहा है, आपको और ताकत मिले। जिस तरह से आज अमेरिकन पॉप सिंगर रिहाना, पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों का गैंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसके बावजूद भारत में एक वर्ग है जो इन तीनों का गुणगान कर रहा है। उन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि किसानों के समर्थन के नाम पर विदेशी ताकतें पहले तो भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, फिर यही ताकतें भारत को बदनाम करने की कोशिश में भी लगे हैं। कुछ इसी तरह से देश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में माहौल बनाया गया था और इस तरह से प्रचारित किया गया कि इस कानून के लागू हो जाने से भारत के तमाम मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने यह सीएए कानून वापस नहीं लिया और आज विरोध के एक साल हो गए, लेकिन मोदी विरोधी एक भी मुसलमान का नाम शायद ही बता पाएंगे जिसकी भारतीय नागरिकता इस कानून से चली गई। मगर हां, इतना जरूर है कि अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए सिखों को भारत की नागरिकता जरूर दी गई है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भी मोदी विरोधियों ने इस कदर हवा खड़ा किया था, यहां तक कि बोल गए थे कि इससे कश्मीर जल उठेगा, लेकिन मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 का खात्मा भी किया और आज घाटी में शांति का माहौल भी है। ये तीनों ही घटनाएं बताती हैं कि किस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाता है और जो काम कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई उसे जब मोदी सरकार पूरा कर रही है तो उसका भी विरोध किया जा रहा है। आज भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कृषि कानून का विरोध कर रही है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कृषि कानून की वकालत सबसे पहले मनमोहन सरकार में कांग्रेस नेताओं ने ही की थी और खुद सीएम केजरीवाल भी कह चुके हैं कि किसान और बाजार के बीच आने वाले बिचौलियों को खत्म किया जाए, लेकिन आज यही दल कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।